Subscribe and click on the bell icon to never miss a video on India Food Network. स्वागत है जश्न बिरयानी में। मैं रूपा नाबर आपको मैं बताने वाली हूँ आज एक अलग टाइप की बिरयानी जो बनने वाली है मशरूम और सोया से, और उसका नाम है मशरूम और सोया बिरयानी इन गोवन स्टाइल। सो देखते हैं कैसे बनती है मेरे किचन में ये बिरयानी। और एक कप चावल, पानी में भिगोएंगे 15 से 20 मिनट तक। जो भिगा के हुए रखे थे चावल उसे मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची और सॉल्ट के साथ 3/4 तक पका लिया है, और अब हमें मसाला मशरूम का और सोया का बनाना है। तो एक कढ़ाई लेना, उसे गैस पे चढ़ा लेना, उसमें घी। अब घी गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी। जब वो होल मसाला क्रैकल होने लगे उसमें डालिएगा कटा हुआ प्याज, और उसे सुनहरी होने तक फ्राई कीजिएगा। प्याज सुनहरी हो चुका है, उसमें डालेंगे हम टमाटर प्यूरी, उसे प्याज के साथ 1 मिनट तक भून लेना। और एक टिप है कि जब वो भून जाता है उसमें से घी वापस छूटने लगती है साइड में, ये एक टिप है कि वो टमाटो प्यूरी भून चुकी है। उसमें डालेंगे कटे हुए मशरूम, ये सोया चंक्स है जिसे मैंने सोक करके ड्रेन किया हुआ है, उन्हें भी मशरूम के साथ डाल देना। एक मिनट उनको मसाले में भून लीजिएगा। उसमें अब पाउडर मसाले, धना पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। पाउडर्ड मसाले अच्छी तरह से इस मिक्सर से मिक्स कीजिएगा। अब इसमें जाएगा नारियल का दूध, जैसे मैंने बताया कि ये गोवन स्टाइल है। और थोड़ा योगर्ट या दही। उसमें नमक, थोड़ी कटी हुई कोथमीर, कटी हुई पुदीना, ये फ्राइड अनियंस भी डाल दो, थोड़े गार्निश के लिए रखेंगे। 1 मिनट उसको पकाने दो।
इस मिक्सचर को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है इस स्टेज पे। कटी हुई हरी मिर्च लगा देंगे और उसके ऊपर ये पका हुआ राइस। आंच धीमी करते हैं। ये एक ही लेयर की बिरयानी है तो सब चावल ऊपर से एक ही लेयर में डाल दीजिएगा। थोड़ा नींबू का रस, ये थोड़ा केसर दूध में सोक किया हुआ है उसे आप ड्रिजल कीजिएगा। अभी हमने मशरूम और राइस के लेयर लगा चुके हैं और उसको दम में पकना है। दम का मतलब रहता है कि अपने फ्लेवर में वो पके, इसलिए उसको सील करना है। इसलिए हम ये डो बना चुकी हूँ मैं। उसको सील करना है। और धीमी आंच में 20 मिनट तक उसको पकने दीजिए। गोवन स्टाइल मशरूम और सोया की बिरयानी दम में पक चुकी है। उसे हम गार्निश करेंगे जो बचे हुए फ्राइड अनियंस हैं। बहुत खुशबू आ रही है अच्छे बासमती यूज करने से। मिंट और कोरिएंडर। बिरयानी में राइस की अरोमा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और वो जो फ्लफीनेस रहता है, आप अगर उसको फोक से बिरयानी को ऊपर नीचे करेंगे तो आप को मालूम पड़ेगा क्या अच्छी बासमती यूज़ करने से वो चावल बड़े फ्लफी और होलसम हो चुके हैं। इसके लिए अच्छी बासमती राइस यूज़ करने से अच्छी बिरयानी बनती है। इन्हें हम अभी सर्व करेंगे। गोवन स्टाइल मशरूम और सोया की बिरयानी रेडी हो चुकी है। आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन हिट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इंडिया फूड नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।